आज की क्लास की शुरुआत हम यहां से करते हैं कि एक इंडक्टर के पास जब कोई अल्टरनेटिंग सोर्स आपने लगाया होता है तो कैसे, कब वो एनर्जी ले रहा होता है, कब वो एनर्जी दे रहा होता है, इन सब चीजों को हम पढ़ रहे होंगे। ये सब चीजें हमें स्टडी करनी है पहले। तो देखिए, जैसे सपोज ये कोई इंडक्टर है, इस तरह से ये इंडक्टर है और जो वोल्टेज सोर्स आपने लगाया है उसका ग्राफ हमें ऐसा दिया गया है कि एक साइकिल उसकी वोल्टेज की मान लो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो गई। कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन में, कहीं से भी। मैं वो बुक वाला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि उन्होंने जो वोल्टेज की साइकिल है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट की हुई मानी है यहां तक, एंड ये इस तरह से इतना हमने मान लिया, और ये इसका कंप्लीट टाइम है टी। ये टी बाई टू, ये टी बाई फोर और ये थ्री टी बाई फोर। तो आप ये बताओ, इंडक्टर में करंट लीड करता है कि लैग करता है वोल्टेज को? बोलो, इंडक्टर में करंट लीड करेगा या लैग करेगा? ये तो रिजल्ट हमें याद होने चाहिए, पिछली क्लास में ही तो हमने पढ़े थे। बोलिए, मैं फिर पूछता हूं, इंडक्टर में करंट लीड करेगा या लैग करेगा? लैग। पाई बाई टू लैग का मतलब है 1/4 साइकिल पीछे चलेगी। तो यानी कि अगर मैं इसका करंट का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इसी का करंट का ग्राफ बनाऊं तो विद टाइम जो करंट बनेगा पाई बाई टू पीछे, मतलब इसका मैक्सिमम टी बराबर 0 पे आ चुका है तो करंट का मैक्सिमम टी बाई 4 टाइम बाद आएगा। ये मतलब है पाई बाई टू पीछे। इसका मतलब इस समय करंट का मैक्सिमम आएगा यहां, तो करंट का ग्राफ यहां से शुरू होना है। मैं एक बार ये चारों बना देता हूं। इसका मतलब ये है कि ये है लैग, कि ये पाई बाई टू लैग कर गया, अब ये पीछे गया, एंड ये यू इस तरह से। बताओ, ये ग्राफ आ गया यहां तक समझ में? ठीक है। अब देखो, जब इंडक्टर में करंट बढ़ रहा होगा, बस एक छोटी सी बात है, जब इंडक्टर में करंट बढ़ रहा होगा तो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, हाफ एल आई स्क्वायर पढ़ा है ना। तो करंट बढ़ेगा तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब वो एनर्जी सोर्स दे रहा है जो आपने नीचे सोर्स अप्लाई किया। जब करंट कम हो रहा होगा तो इसका मतलब इंडक्टर की एनर्जी कम हो रही है, इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब उस वक्त इंडक्टर बाहर एनर्जी सप्लाई कर रहा है सोर्स को, मतलब उस वक्त इंडक्टर सोर्स बन जाएगा और ये सोर्स लोड बन जाएगा। समझ गए? देखो, इनमें पूछा जाए क्या ये परमानेंट सोर्स है? नहीं। जब आपने इंडक्टर लगा रखा है तो जब इंडक्टर में करंट बढ़ेगा तो ये उसको एनर्जी देगा, और जब इंडक्टर में करंट कम होगा तो इंडक्टर वापिस अपनी एनर्जी रिटर्न कर रहा होगा। यानी कि कभी ये इंडक्टर लोड होगा और कभी ये सोर्स होगा। अब देखो, 0 से टी बाई 4 में आप बताओ इंडक्टर लोड है कि सोर्स है? मैं थोड़ा सा उस बुक से अलग तरीके से चल रहा हूं, वो ठीक है, मैं लोड सोर्स की बात कर रहा हूं, वहां पे टर्म्स यूज नहीं की होंगी। तो ध्यान से देख के बताओ, 0 से टी बाई 4 तक इंडक्टर में करंट बढ़ा है तो इंडक्टर लोड है कि सोर्स है? इंडक्टर की एनर्जी बढ़ी है या कम हुई है? 0 से टी बाई 4 तक करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर में एनर्जी बढ़ी होगी या कम हुई होगी, बताएं? बढ़ी है, तो मतलब ये बाहर से एनर्जी ले रहा है, इट मींस इट इज एक्टिंग एज अ लोड। अगले में करंट कम हो रहा है, करंट अगर कम हो रहा है तो एनर्जी दे रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स। अगले में बताओ, करंट 0 से बढ़ा है कि कम हुआ है? 0 से -2 हो गया, ये करंट बढ़ा है कि कम हुआ है? कम कैसे हो गया, कम कैसे हुआ? 0 से -2 होना, माइनस कोई मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होता है करंट में, करंट में माइनस साइन केवल यह बताता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा। तो पहले 0 से 2 बढ़ा, फिर 2 से 0 कम हुआ, अब फिर 0 से -2 हुआ, तो करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बताएं? बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी फिर बढ़ने लगी, मतलब वो सोर्स से एनर्जी लेने लगा, मतलब वो फिर से किसका काम कर रहा है? लोड का। क्लियर? और आखिरी पार्ट में बताओ, अब उसका करंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़
कम हो रहा है, मतलब वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को वापस देने लगा, वो किसी को एनर्जी दे रहा है, तो वो किसी के लिए सोर्स का काम कर रहा है कि लोड का काम कर रहा है? सोर्स। पहले तो ये बताओ, ये वाला विजुअलाइजेशन आया समझ में कि कैसे कब इंडक्टर लोड होता है और कब सोर्स होता है? ठीक है, अब देखो, जब इंडक्टर लोड है इसका मतलब सोर्स इज सप्लाइंग द पावर, इट मींस पावर इज पॉजिटिव। और जब इंडक्टर इसको सप्लाई कर रहा होगा, जो हम उम्मीद नहीं करते, बिकॉज हम किसको सोर्स मान के चल रहे हैं, हम किसको सोर्स मान के चल रहे हैं, इसी को ना, तो हमारा तो मेन दिमाग में ये रहता है कि भाई इसने एनर्जी प्रोवाइड की होगी, यानी कि जब इसने एनर्जी प्रोवाइड की होगी तो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, और जब उल्टा काम होगा तो पावर नेगेटिव। एक बार अब वेरीफाई करो यहां से, अब आप वेरीफाई कीजिए वो प्रोडक्ट वाली बात, पहले 1/4 में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव का? पॉजिटिव, यानी कि इस समय पावर पॉजिटिव है, तभी तो ये लोड है, तभी तो ये लोड है, क्योंकि इस समय पावर पॉजिटिव है, तो मतलब सोर्स इसको पावर दे पा रहा है। अगले में देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पावर क्या होगी? पावर नेगेटिव होने का मतलब यह है कि ये बाहर वालों को तो लग रहा है कि ये सोर्स है, जबकि उल्टा काम हो रहा है, वो इसको एनर्जी दे रहा है, तो इसीलिए ये किसका काम करने लगा, ये मैंने यहां लिखा है सोर्स का। ठीक है, उससे अगले में देखो, उससे अगले में क्या होगा? ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब ये फिर से अपना काम इसी का हो गया सोर्स का, तो लोड बन गया, ये लोड लिखा हुआ है। और अगले में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब पावर, पावर नेगेटिव का मतलब ये खुद सोर्स बना बैठा है इसके लिए, तो ये सोर्स है। अभी बताओ, क्या ये चारों पार्ट आपको ढंग से समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, ठीक है, बुक ने भी अपने तरीके से एक्सप्लेन किया होगा, मुझे लगता है शायद लोड और सोर्स वर्ड ना यूज किए हों उन्होंने, तो कोई बात नहीं। लोड मतलब वो एनर्जी ले रहा है बाहर से, और सोर्स मतलब वो खुद एनर्जी दे रहा है, हम पावर सप्लाइड बाई सोर्स लिखते हैं, तो अगर ये सप्लाई कर रहा होगा तो पावर पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर इसको उल्टा पावर मिल रही है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब बताओ, क्या प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्यों एवरेज पावर जीरो हुई? चारों पार्ट्स में क्या हुआ, कब तो इसने एनर्जी ली, कब दी? क्या इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं? ठीक है, तो मैं एक बार आपको कैपेसिटर का भी समझा दूं, क्योंकि बुक से पढ़ा होगा लेकिन हो सकता है कि दिमाग में ये ना बैठा हो इस तरीके से, जैसे ये वाला हमने किया। कैपेसिटर का बताऊं क्या, कैपेसिटिव सर्किट में कैसे क्या देखना है? ठीक है, वो था शायद आपका पेज नंबर 243 पे, वो पेज नंबर 243 पे था, देखते हैं उसमें। और एक चीज ये और ध्यान रखना कि तीन वेवफॉर्म कहीं भी आए, जिन दो का टाइम पीरियड सेम दिखे वो तो वोल्टेज और करंट है, जिन दो का टाइम पीरियड सेम दिखे वो तो वोल्टेज और करंट है, और जिसका टाइम पीरियड आधा दिखे वो पावर है। समझ गए हो ना, ऐसे सवाल आते हैं, और कहीं छोड़ो बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में भी ये वेवफॉर्म पहचानने वाले क्वेश्चन आते हैं कि तीन वेवफॉर्म एक ही ग्राफ में दे रखे हैं, पहचानो कौन सा। तो सबसे पहली बात, इसकी आधी साइकिल में जो एक पूरी साइकिल हो गई, जैसे देखो अभी बना के दिखाता हूं मैं आपको, इसी में नीचे जगह नहीं बची यार, यहीं पे दिखा देता हूं। पावर इस इलाके में पॉजिटिव और इस इलाके में नेगेटिव है, यानी कि पावर ने अपनी एक साइकिल पूरी कर ली, समझ में आया? पावर यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, दिख रहा है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। तो पावर ने एक साइकिल पूरी कर ली, फिर पावर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पावर ने दूसरी साइकिल पूरी कर ली, यानी कि अगर ये तीन ग्राफ एक में ही बन के आ जाए, मान लो सपोज कीजिए ये भी इसी में नीचे बना रखा होता ब्लैक कलर वाला, तो सबसे पहले तो आप पावर को आइडेंटिफाई कर लो, जिसका टाइम पीरियड आधा है और के आधे टाइम में इसकी पूरी साइकिल होगी है, तो ये तो जो पावर है दैट इज नेगेटिव, ना सॉरी क्या बोलूं मैं, ये जो वेवफॉर्म है वो तो पावर का हो जाएगा। अब जो दो बचे उनमें आप एलिमेंट के हिसाब से देखो, जैसे मान लो एक ग्राफ ये वाला है और एक ग्राफ ये रेड कलर वाला है, एक ब्लैक वाला एक रेड वाला। अब एलिमेंट देखो, हमें एलिमेंट दिया है इंडक्टर, तो इंडक्टर में करंट 1/4 साइकिल पीछे चलेगा, 1/4 साइकिल पीछे चलने का मतलब है कि अगर वोल्टेज का मैक्सिमम अभी आया है तो करंट का मैक्सिमम T/4 टाइम के बाद आएगा, इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट हम देखते हैं। मैं आप सभी को ये बात जैसे बता दूं कि मैं रोज 9 से 11 का टाइम मैंने डाउट्स के लिए दे रखा है शाम को,
लेकिन कुछ फिक्स ही स्टूडेंट है, बस वही डाउट्स पूछते हैं। जैसे आपकी क्लास से, चलो मैं नाम नहीं ले रहा, दो तीन ही बच्चे बस वही डाउट पूछते हैं। उस समय प्लस वन प्लस टू टेंथ और पास आउट भी कुछ बच्चे हैं इधर से, कनीना साइड से, तो वो भी अपने व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं इस तरह से, मतलब आरपी स्कूल के बच्चे। तो आप लोगों को भी अगर डाउट्स हो आप भेज दिया करो, मैं रिप्लाई कर पाऊंगा 9 बजे बाद। अब जैसे कल तो मनीष सर की मीटिंग थी तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, 9 से 11 के करीब मीटिंग ही चली हो, बाकी और दिन तो हम करते हैं ये सब। अब देखिए पेज नंबर 243 इस पे अगर हम चले, इन्होंने जो वोल्टेज की साइकिल ली है वो नॉर्मल साइकिल ली जैसा हम मानते हैं। देखिए ये कैपेसिटर है, और ये यहां पे इस तरह से वोल्टेज आई। देखो अब वोल्टेज की साइकिल मैं 3 बनाने की जगह रखूं ताकि पावर भी बने नीचे, वोल्टेज की साइकिल इस बार इन्होंने 0 से स्टार्ट करके और ये वाली बनाई है जो नॉर्मल लिखते हैं वो, ये सब, ये टी बाई टू, टी टी बाई फोर, 3T/4 ये आपकी वोल्टेज साइकिल। अब बताओ ये कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा कि लैग करेगा? लीड करेगा, तो मतलब ये कि करंट का मैक्सिमम पहले आ लेगा और वोल्टेज का बाद में, तो ये ग्राफ इंटरचेंज हो गए। पिछली बार वोल्टेज का मैक्सिमम जहां था, इस बार करंट का मैक्सिमम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। टी बराबर 0 पे करंट का मैक्सिमम आ चुका है, ये मतलब है। तो ये देखो आप, ये इस बार मैक्सिमम से शुरुआत हुई है, ये नीचे गया, देन ये वापिस यहां आया, एंड ये यहां आया। पिछली बार ये वाला ग्राफ हमने वोल्टेज का बनाया था तो वो ग्राफ करंट का बना था, तो इस बार करंट लीड करेगा तो वो पाई बाई टू आगे चल रहा है, 1/4 साइकिल आगे चल रहा है। करंट का मैक्सिमम आ चुका था, वोल्टेज का तो उसके टी बाई फोर टाइम बाद आया। पहले तो ये बताओ क्या ये 2V और I पहचानने आ गए आपको कि इंडक्टर में कैसे होगा और कैपेसिटर में कैसे होगा, है ना? दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए क्योंकि वोल्टेज करंट को ड्राइव कर रहा है, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है आपको एलिमेंट ना दे रखो, आपको वेवफॉर्म दे रखी हो दो और कहे कि पहचानो एलिमेंट कौन सा है, कैपेसिटर है कि इंडक्टर है कि रजिस्टर है। सेम फेज में तो रजिस्टर और कौन आगे उसके हिसाब से कैपेसिटर या इंडक्टर, ये आपको देख लेना। अब मैं एक बार ये बात करूं, जैसे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई स्क्वायर, तो उससे हमने देखा कि अगर करंट बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, करंट कम होगा तो एनर्जी कम होगी। ऐसे ही कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, Q²/2C, है ना? यू इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज Q²/2C। तो जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगी, और चार्ज कम होगा तो एनर्जी कम होगी। समझ में आ रहा है नहीं? ये देखिए कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, उसका फॉर्मूला होता है Q²/2C, और हम Q का ग्राफ बना नहीं रहे तो हम एक और चीज देख लें, Q = CV होता है, ठीक है? तो इन टर्म्स ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ वी भी हम फॉर्मूला जानते हैं, ½CV²। यानी कि जब कैपेसिटर के पास वोल्टेज बढ़ेगी तो कैपेसिटर के पास एनर्जी बढ़ेगी। तो अब यहीं से, इस बार करंट से नहीं, इस बार वोल्टेज से पता लगेगा, करंट से नहीं। जैसे इंडक्टर में तो करंट से पता लगा, कैपेसिटर में वोल्टेज से पता लगेगा कि ये सोर्स है कि लोड है। अब शायद आप समझ गए होंगे, बताओ 0 से T/4 तक वोल्टेज बढ़ी है कैपेसिटर के पास कि कम हुई है? बढ़ी है, तो मतलब इसमें एनर्जी बढ़ी है, तो इसने इसको प्रोवाइड की है, तो ये तो सोर्स है, सोर्स का ही काम कर रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है? एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसीलिए लोड का काम कर रहा है और पावर होगी ये पॉजिटिव। आया समझ में? ठीक है, अगले पार्ट में देखो, ये कंफर्म बाद में करेंगे, पहले अगले पार्ट में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कम हो रहा है, तो वो एनर्जी रिटर्न करने लग गया, तो वो खुद सोर्स बन के बैठ गया, जबकि उसका काम था किसी सोर्स के साथ लोड की तरह बिहेव करना।
तो खुद सोर्स बन गया, तो पावर पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। एक बार देख लेते हैं, कैपेसिटरी सोर्स बना बैठा है, एक चीज नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो पावर क्या होगी यहाँ पे? नेगेटिव। यहाँ पे पावर थी पॉजिटिव। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तीसरे में देखो, अब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ा है कि कम हुआ है? अरे रे 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 रे, कम कैसे हुआ है? कम थोड़ी हुआ है, जीरो से, वो अपोजिट पोलैरिटी होगी बस, और कोई फर्क थोड़ी है। अपोजिट पोलैरिटी होगी यानी कि ये अगेन इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो एनर्जी अगेन उसकी बढ़ने लगी है, उसमें एनर्जी स्टोर होने लगी, बस वो पहले ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी, अब वो वाली प्लेट पॉजिटिव होने लगी, और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं चार्ज के चक्कर में नहीं लेके जा रहा आपको, आपकी बुक ने शायद चार्ज के तरीके से पढ़ाया है, मैं वोल्टेज से सिखा रहा हूं, वहां से शायद समझना थोड़ा आसान है। तो अब देखो ना, फिर से बोलो, वोल्टेज बढ़ी है कि कम हुई है? इंक्रीज हुई है, तो इसने एनर्जी गेन की है, यानी कि ये फिर से लोड बन गया। लोड बन गया तो पावर क्या नहीं चाहिए? क्या हुआ, नेटवर्क में दिक्कत है क्या? एक मिनट, अभी चेंज करता हूँ, नेटवर्क ही चेंज करता हूँ। सही आ रहा है तो यार फिर हाँ भाई, आवाज आ रही मेरी अभी, बताओ? ठीक है, तो फिर सही है, तो फिर आप किसी के नेटवर्क में वैसे प्रॉब्लम होगी। देखो अभी इधर देखो, ठीक है, बढ़िया, बता रहा हूँ ऐसा के। देखो अब समझो, एक मिनट इसको, ये सर में चला गया एकदम से। अरे मानिक के, या तो आप म्यूट कीजिए इसको, अगर शायद आपकी आवाज आ रही है। देखो इधर देखो, टी बाई टू से 3T/4 ये लोड का काम कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं। लोड मतलब पावर सोर्स ने सप्लाई की है, तो इसका मतलब नीचे जो सोर्स लगा उसकी पावर पॉजिटिव है, पॉजिटिव आनी चाहिए। यहां से देखो आप, ये तो क्या है, नेगेटिव, और ये भी क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो ये पावर भी पॉजिटिव आएगी। चौथा पार्ट, आप बताओ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बढ़ी है कि कम हुई है? कम, मैं क्या कह रहा हूं, कमी हुई है, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे एक कंफ्यूजन किया जाता है बच्चों को, कि वो कहते हैं कि सर आपने कहा था पोटेंशियल को तो विद साइन कंपेयर किया जाता है, तो विद साइन कंपेयर करेंगे तो ये कम होना चाहिए। क्या हमने कभी सीखा है कि पोटेंशियल इज कंपेयर्ड विद साइन? पोटेंशियल इज कंपेयर्ड विद साइन, माइनस 4 वोल्ट है वो छोटा है, और 3 वोल्ट है वो बड़ा है, सीखा हमने, है ना। लेकिन यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि बस पोलैरिटी उल्टी हो गई है, पहले ये प्लेट पॉजिटिव थी, अब ये प्लेट पॉजिटिव है। आपको केवल मैग्नीट्यूड देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब पता है क्या है, इसको वी ए बोल दिया, इसको वी बी बोल दिया, तो पहले तो हम देख रहे थे वी ए माइनस वी बी, और अब देखने लगेंगे वी बी माइनस वी ए, तो उसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ ही रहा है, वी बी माइनस वी ए का मैग्नीट्यूड, तो आपको केवल वो मैग्नीट्यूड देखना है। तो यहां देखें तो वोल्टेज मैक्सिमम से जीरो पे गई, वोल्टेज मैक्सिमम से जीरो पे गई, तो इसका मतलब चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि वोल्टेज मैक्सिमम है तो चार्ज मैक्सिमम है, वोल्टेज जीरो है तो चार्ज जीरो है। तो कैपेसिटर पे जब वोल्टेज बढ़ती है तो उसकी चार्जिंग हो रही है, कैपेसिटर से जब वोल्टेज कम होती है तो उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग होगी तो वो कहीं से एनर्जी ले रहा है, तो वो लोड का काम कर रहा है, तो जो बाहर लगा रखा उसकी पावर पॉजिटिव है। अगर डिस्चार्जिंग होगी, चार्ज कम होगा मतलब वोल्टेज कम होगी, तो वो खुद सोर्स बन के बैठी है वहां, यानी कि बाहर वाले की जो पावर बोली जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और आखिरी पार्ट में यही हो रहा है, देखो वोल्टेज कम होने लगी तो ये बन गया सोर्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अगर प्रोडक्ट देखें तो फिर से नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये सोर्स होना बैठे। शायद आपको अभी ये 3-4 पॉइंट समझ में आ गए पूरे पूरे, ठीक है। और अगर आप इसकी पावर का ग्राफ बनाना चाहें तो आधी साइकिल में एक साइकिल पावर की पूरी हो जाएगी, यहां पावर पॉजिटिव तो ऊपर, और यहां पावर नेगेटिव तो नीचे, अगेन पावर पॉजिटिव तो ऊपर और नेगेटिव तो नीचे। तो फाइनली रिजल्ट ये है कि जब इंडक्टर का मैग्नेटाइजेशन होता है, आपको वोल्टेज देखने की जरूरत नहीं है, इंडक्टर में आपको वोल्टेज देखने की जरूरत नहीं है, आपको करंट का ग्राफ दिया जाए, अगर इंडक्टर का मैग्नेटाइजेशन हो रहा है मतलब उसमें करंट बढ़ रहा है, तो वो
लोड का काम कर रहा है और बाहर वाले की पावर पॉजिटिव होगी। अगर इंडक्टर का डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, करंट कम हो रहा है, तो वो सोर्स बन जाता है और बाहर जो लगा रखा है उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, कैपेसिटर की बात करें, अगर कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है तो उसके पास वोल्टेज बढ़ेगी, तो वो बाहर से एनर्जी ले रहा है तो बाहर वाले की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, मतलब उसके पास वोल्टेज कम हो रहा है, तो वहां वो सोर्स बन के बैठ गया और वहां पावर नेगेटिव हो जाएगी। शायद अब तो और ग्राफ राफ पहचानने शायद अच्छे से समझ में आई गए होंगे। क्लियर हुए ना ये दोनों टॉपिक? ठीक है, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे कि अभी तो आपको अलग अलग दिए गए, खाली R, खाली L और खाली C। अब जो अगले दो टॉपिक हम ले रहे हैं, एक R L और एक R C, अगले जो दो टॉपिक हम ले रहे हैं, एक R L सीरीज में लगाएंगे और एक बार R C। मैं एक करवा देता हूं, एक आपका होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम वो की वो बातें आपको रिपीट करनी, कर लोगे बताओ? अरे देखो अगर अगर थोड़ा इसको ध्यान से समझोगे जो मैं पहले करवा रहा हूं, तो आपसे आपकी बुक में तो ना अगला टॉपिक सीधा आरएलसी है, बुक में तो अगला टॉपिक सीधा ही आरएलसी है, उसको छोड़िए आप। आरएलसी पे तब चलेंगे जब एक बार आरएल और आरसी सीरीज जैसी सर्किट हम पढ़ लें, उसके बाद हमारी बात होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको सीक्वेंस हमारी ये रही है, पहले आर पढ़ाया, फिर एल पढ़ाया, फिर सी पढ़ाया, ये हमारी सीक्वेंस रही है, आर एल देन आर सी। तो मैं आर एल आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, आर सी में करवा रहा हूं, बीच बीच में पूछता चलूंगा कि अगर यहां इंडक्टर होता तो क्या करना था। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आर एल सीरीज एसी सर्किट, इसका आपको एनालिसिस करना है, आर एल सीरीज एसी सर्किट का आपको एनालिसिस करना है। दिस इज फॉर होमवर्क। अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आरसी सीरीज एसी सर्किट, ये वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा दो मिनट, अभी करता हूं मैं स्टार्ट। आप पहले ये बताओ कि मैं सामने नहीं आ रहा हूं, मैं साइड से होके बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, क्योंकि मैं साथ साथ नाश्ता भी कर रहा हूं। आप ये बताओ कि जो अभी जो टेस्ट होगा उसमें आ रहे हैं पीछे के पार्ट, जैसे एनसीईआरटी के दो चैप्टर, तो क्या किसी बच्चे को इस बात से दिक्कत है कि भाई प्रेजेंट सिलेबस के टेस्ट नहीं हो रहे और पीछे के टेस्ट होने लग गए हैं दोबारा? बताओ एक बार। अरे मेरा सवाल आया क्या समझ में, क्या पूछ रहा हूं मैं? अभी जैसे ईएमआई एसी इनके टेस्ट नहीं हो पाएंगे और चैप्टर 1-2 दोबारा से आने लगा है, क्या ये मतलब आपके लिए सही है या आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है इसमें, बताओ? सही है ना, क्योंकि कल जो जैसे मीटिंग हुई थी तो उसमें ये एक डिस्कशन का मैटर भी था कि भाई क्या करना चाहिए इस तरह से, तभी मैं आपसे थोड़ा सलाह ले रहा हूं इस बारे में। जो प्रेजेंट सिलेबस के हों? नहीं सर। फिर वो क्या होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, मैंने आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट नहीं लिया है, काफी दिन हो गए ना गूगल फॉर्म पे टेस्ट लिए हुए, उसका रीजन ये है कि कुछ सेक्शंस में, कुछ क्लासेज में गूगल फॉर्म पे बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे, किसी का भी नाम लिख के कोई भी एंटर कर रहे हैं, गलत नाम भी लिख रहे हैं, उनके आगे पीछे कुछ और भी लगा रहे हैं इसी तरह से। तो फिर स्कूल ने बोला था कि भाई गूगल फॉर्म पे रहने दो टेस्ट, मतलब इसीलिए हमने आपके वो फिर उसके बाद लिए नहीं है, बिकॉज यूं हम वेरीफाई नहीं कर पाते कि ये ओरिजिनली वही स्टूडेंट है जो नाम लिख के आ रहा है या कोई और है। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी ये सीरीज भी जल्दी आपको वहां पहुंचा देगी। अभी आपके अगले टेस्ट में देखो, पहले टेस्ट में तो एनसीईआरटी के 3 चैप्टर आ गए,
सर अगले टेस्ट में मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पूरा ही आ जाएगा या और भी आगे तक पहुंच रहे काम? ध्यान है किसी को सेकंड टेस्ट का सिलेबस? नहीं सर। नहीं छोड़ो, चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आरसी सीरीज एसी सर्किट, इसकी बात करते हैं। ईएमआई तक आ लिया तो ये तो, पर वो टाइम है कितना? एक महीने बाद है अगला टेस्ट, 26 को है, तो इसका मतलब तो ये है कि 26 क्या, 26 कौन सी? नहीं सर, 19 है शायद, 19 अगर। चलो ठीक है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स भी आएगा, तो ये तो जल्दी कवर कर लाएंगे, ये तो सारा ही फिजिक्स ही कवर कर लाएंगे इस तरह से। तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इस बार थोड़ा यार वो स्कूल नहीं लगे, नहीं तो हमारा प्लान ये था कि आपके 12th के साथ कुछ एक टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव पेपर्स की स्टार्ट करते। बताया था मैंने आपको कभी शनिवार को की भी थी या नहीं की? इस तरह के टेस्ट लेने स्टार्ट किए थे या नहीं? अभी नहीं किए थे, लेकिन थोड़ा कोर्स होने के बाद वो स्टार्ट करना था, ताकि थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं आपको भेजू मान लो ऐसे टेस्ट बना के, तो क्या वो चेक हो? चेक तो हो ही नहीं सकते हैं। क्या आप अपने आप करना चाहोगे वो चीजें? बताओ, मैं मान लो आपको 30 नंबर का या 25 नंबर का किसी चैप्टर पे, चैप्टर वाइज हम टेस्ट भेजें, सब्जेक्टिव जो बोर्ड का होता है उस तरह का, तो क्या वो लिखना चाहोगे या नहीं खुद ही? सर स्टार्टिंग के चैप्टर से भेजना फिर। ठीक है, देखो हम करना चाह रहे हैं शुरुआत, इसीलिए तो ये बात कर रहे हैं आपसे। तो अभी जो आकाश में आ रहे हैं, आकाश में आ रहे हैं, आकाश के बाद ले लेना। ठीक है, आप आकाश में पहले 3 चैप्टर आ रहे हैं, पहले एक बार ये टेस्ट दे लो, उसके बाद मैं आपको वो वाला टेस्ट मतलब मैं भेजूंगा। अब वो चेक कैसे करूंगा वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो चेक कैसे हो पाएगा फिर? सर उसकी हम पीडीएफ वगैरह बना के भेज देंगे आपको। ठीक है ठीक है, कोशिश करेंगे हम, कुछ ऐसा भी काम चले। सब्जेक्टिव वालों का भी ऐसा ही होता है। ठीक है ठीक है, देखिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना आरसी सर्किट। एक बड़ा अच्छा सर्किट है, ढंग से समझना है, क्योंकि आरएल सीरीज सर्किट आपका तभी होगा जब आपने यह समझ लिया होगा। मान लो जो वोल्टेज आपने अप्लाई की उसकी इक्वेशन है वीएम साइन ओमेगा टी। जो वोल्टेज आपने अप्लाई की उसकी इक्वेशन है वीएम साइन ओमेगा टी, सपोज ये है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसमें करंट क्या होगा, मुझे आई निकालना है कि इस सर्किट में करंट क्या होगा, उसके बाद बाकी बातें। तो बात यह है कि अगर केवल रेजिस्टेंस होता, अगर केवल रेजिस्टेंस होता, देखो पीछे जो प्योर सर्किट पड़े, प्योर आर, केवीएल लगाया लगाते ही आई आ गया, प्योर एल, केवीएल लगाया लगाते ही डीआई आया, डीआई को इंटीग्रेट किया आई आ गया, याद आ गया होगा ना आपको। प्योर सी, केवीएल लगाया क्यू आ गया, चार्ज आ गया, डिफ्रेंशिएट करते ही करंट आ गया। यहां ऐसा नहीं होने वाला है, यहां ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी। अब उसको सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूजिंग एनालिटिकली मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से ही, और एक यूजिंग फेजर मेथड। हमारी सीक्वेंस सुनो क्या होगी, आरसी सर्किट में मैं ओनली फेजर मेथड करवाऊंगा, आरएल सर्किट में आप ओनली फेजर मेथड करेंगे घर से। फिर जो अगला काम होगा आरएलसी, उसमें मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा, एनालिटिकल भी और जो फेजर है वो भी, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। देखिए अभी तरीका सुने, तो करंट हमें निकालना है यहां पे, करंट कैसे निकाले आप ये बताओ। अगर केवल रेजिस्टेंस होता, अगर केवल रेजिस्टेंस होता सर्किट में, तो फेज सेम होता है नहीं होता, ये पढ़ रखा हमने। अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता तो करंट का फेज होता ओमेगा टी, जो वोल्टेज का फेज है। अगर सर्किट में केवल कैपेसिटेंस होता, अगर सर्किट में केवल कैपेसिटेंस होता तो करंट का फेज कितना होता? अरे बोलो, दोबारा सुनो और जवाब दो। यहां वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता तो करंट का फेज भी ओमेगा टी होता, अगर सर्किट में केवल कैपेसिटेंस होता तो करंट का क्या फेज होता? कैपेसिटेंस में कौन लीड करता है बोलो ना आप जवाब, कौन लीड करता है कैपेसिटर में? करंट। कितने एंगल से लीड करता है?
पाई बाई टू, यानी कि अगर अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो करंट का फेज भी ओमेगा टी होता, अगर केवल कैपेसिटेंस होता सर्किट में तो ये वोल्टेज लगाने पे करंट का फेज हो जाता ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या ये बात आई क्या समझ में? ठीक है, अब दोनों हैं, ये तो चाहेगा सेम फेज रहे, वो चाहेगा 90 डिग्री आगे रहे, तो ना तो सेम रह पाएगा ना 90 डिग्री आगे रह पाएगा, कहीं बीच में हो जाएगा। लेकिन करंट लीड करेगा या करंट लैग करेगा ये बताओ, वोल्टेज को लीड ही करेगा, पूरा 90 डिग्री से नहीं कर पाएगा, पूरा 90 डिग्री से नहीं कर पाएगा, कुछ एंगल से लीड करेगा लेकिन लीड करेगा। तो हम एज्यूम करें लेट लीडिंग करंट, एज्यूम करें लीडिंग करंट I इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा सेम है, ये हमने बार बार बोला आपको कि इस वोल्टेज से करंट ड्राइव होता है तो दोनों का ओमेगा सेम होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव रूट। अच्छा चलो मैं एक बार और क्लियर करूं ओमेगा सेम क्यों है। प्लस वन क्लास में ऑसिलेशन चैप्टर का ध्यान करो, ऑसिलेशन एक टर्म आई थी कहीं फोर्स्ड ऑसिलेशन, बिल्कुल लास्ट में फ्री ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, फ्री ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस वर्ड, ये टॉपिक आया था ना जिसपे एक्टिविटी भी की थी हमने लैब में जाके, ध्यान है ना? सुनो तो अगर इसको फ्री छोड़ दिया जाता सीधा कनेक्ट करके, इसको यूं कनेक्ट कर दिया जाता कोई सोर्स लगाए बिना, कोई बाहर का सोर्स लगाए बिना, तो जो इसके अगर कोई करंट का ऑसिलेशन होता वो फ्री ऑसिलेशन होता। फ्री ऑसिलेशन में सिस्टम अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, फ्री ऑसिलेशन में सिस्टम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। लेकिन अगर आप बाहर से कोई सोर्स लगा देते हैं, जैसे झूले पे कोई बैठा झूल रहे, अपने आप बैठा झूल रहे पांव से कैसे भी, तो अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन बाहर से अगर एक बार भी फोर्स लगाने वाला आ गया तो जिस तरह से वो फोर्स लगाएगा उस तरह उसे झूलना पड़ेगा। इसका मतलब मान लीजिए इस सिस्टम की कुछ भी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एन, अगर ये ऑसिलेट करे तो, और इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ड्राइविंग, जिसको कि ओमेगा लिखा हुआ है। अब जब आपने सोर्स कनेक्ट कर दिया तो इसका फोर्स्ड ऑसिलेशन है कि इसका नेचुरल ऑसिलेशन है, बताएं? हाँ जी बोलो। जब आपने इस सिस्टम के पास बाहर से सोर्स लगा दिया तो इस सिस्टम का फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा कि नेचुरल ऑसिलेशन होगा, बोलिए? ये सिस्टम था, अगर इनको आपस में जोड़ रखा होता कोई सोर्स नहीं होता तो ये अपने नेचुरली ऑसिलेट करता, लेकिन जब बाहर से सोर्स लगा दिया जाता है ये ऐसा काम है जैसे झूले वाले पे कोई धक्का मार रहा है। अब बताओ ना मुझे, इस सिस्टम का फिलहाल इस सोर्स की वजह से फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा या नेचुरल ऑसिलेशन होगा? फोर्स्ड। और जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी खुद की नहीं चलती है, उसमें फ्रीक्वेंसी सोर्स की चलती है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। तो जो इसमें करंट ऑसिलेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? ओमेगा होगी। मैंने आपको पूरा रीजन एक्सप्लेन किया है कि क्यों करंट की फ्रीक्वेंसी वही है जो कि वोल्टेज की है नीचे। क्या अभी समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो मैं एक बार फिर बताऊंगा, थोड़ा ढंग से सुनिए, सुन लीजिए आप। एक कोई भी सिस्टम है आरसी एलसी आरएलसी आरएल कुछ भी, उसको आप छोड़ दो, कनेक्ट करके छोड़ दो, उसमें अगर कुछ ऑसिलेशन होते हैं तो वो उसके नेचुरल ऑसिलेशन होते हैं। आप कुछ एनर्जी देकर छोड़ दो फिर कैसे करंट ऑसिलेट करे वो उसके नेचुरल ऑसिलेशन है। लेकिन अगर आपने बाहर से एसी सोर्स लगा दिया, तो अब जो ऑसिलेशन होंगे वो उस सोर्स की वजह से होंगे ना कि उस सिस्टम के नेचुरल ऑसिलेशन। और सोर्स की वजह से जो ऑसिलेशन होते हैं उसमें सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं होता, जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है उससे ही वो सिस्टम ऑसिलेट करने लगता है। एक बार आप अपनी प्लस वन की कॉपी उठाना ऑसिलेशन वाली, ये पार्ट देखना, वो पूरा पूरा यहां अप्लाई होगा। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन अप्लाई नहीं होंगे, ये कॉन्सेप्चुअल बातें जो मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब इसका फोर्स्ड ऑसिलेशन होगा, और फोर्स्ड ऑसिलेशन अपनी फ्रीक्वेंसी से नहीं होता है, कुछ भी इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से होता है। यानी कि इसमें जो करंट का ऑसिलेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी वही होगी जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, और सिस्टम की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा। इसीलिए करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है। तो क्या अब समझ में आया इन एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी सेम क्यों होती है? बोलो सर। आप जवाब दिया करो, देखो यस सर तो बड़ा फटाफट बोला करो। चलिए आगे देखें, इसके बाद सुने। अब ओमेगा तो सेम है, नहीं तो क्या होता, तीन वेरिएबल हो जाते। तीन वेरिएबल कौन कौन से?
तीन वेरिएबल कौन कौन से? देखो एक तो आई ए मुझे नहीं पता, एक फाइनोट मुझे नहीं पता, हाँ ये पता है कि ये जीरो से और पाई बाई टू के बीच में होगा, क्योंकि अगर केवल रेजिस्टेंस होता तो ये जीरो होता, केवल कैपेसिटेंस होता तो ये पाई बाई टू होता, तो अब कुछ बीच का रहेगा। ये अननोन, ये अननोन, और तीसरा ये अननोन हो जाता, ये भी अननोन हो जाता अगर मैं इसे कुछ ओमेगा डैश मानता तो। परंतु हमने वो प्लस वन का कॉन्सेप्ट लगा के पहली बात ये पता की कि ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा। आप एक बार, मैं आप सबसे ये कहूंगा कि ऑसिलेशन वाले चैप्टर में वो टॉपिक एक बार पढ़ लेना, फ्री फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशन, अपने नोट से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में यही सब पार्ट चलना आ गया, ठीक है। केवल क्वालिटेटिव बातें वहां से पढ़ लेना, अब क्वांटिटेटिव काम हम अब करेंगे। तो एक वेरिएबल तो मेरा कम हो गया ओमेगा डैश बराबर ओमेगा, बचे दो वेरिएबल आई एम और फाई नोट। अब यहां पे आई एम और फाई नोट निकाले कैसे? एक तो पीक वैल्यू और एक फाई नोट मतलब इनिशियल फेज कितना होगा, ये दो चीजें मुझे निकालनी है। तो केवीएल लगाने से पहले मैं क्या करूं कि मैं तीनों के पास वोल्टेज लिख लूं ढंग से। देखो ये आर, ये सी और ये, इस तरीके से हमने माना कि यहां तो भाई सपोज ये प्लस है ये माइनस है, और किसी टी टाइम पे जो वोल्टेज अप्लाइड है दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी। अगर ये प्लस ये माइनस है तो करंट ऐसे गया होगा, करंट ऐसे जा रहे थे, इस पे कुछ चार्ज क्यों आ चुका होगा और इस पे माइनस क्यों, इस तरीके से। लेकिन मुझे चार्ज इस पे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं जिस तरह से इक्वेशन बनाऊंगा वो तरीका आप सीखो। देखो जो करंट आपने अज्यूम किया है दैट इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब इधर आओ, सीरीज सर्किट है तो यही आई आर होगा और यही आई सी होगा, सीरीज सर्किट है तो यही तो करंट रेजिस्टेंस में से होगा और यही करंट कैपेसिटेंस में से होगा। आप ये बताओ कल आपने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस की बात बताओ, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं कि नहीं? Yes. है ना, yes. यानी कि जो करंट आ रहा है, जो करंट आ रहा है उसका जो फेज होगा वही यहां वोल्टेज का फेज होगा। तो इसके पास जो वोल्टेज आनी है, इसके पास जो वोल्टेज आनी है उसका फेज तो यही हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नोट, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नोट। बात आती है पीक वैल्यू, तो हमने कल पढ़ा था वी बराबर आई आर पीक वैल्यू में एज इट इज लगता है, क्योंकि हमने पढ़ा था आई एम बराबर वी एम बाई आर, पढ़ा था कि नहीं बताओ, आई एम बराबर वी एम बाई आर इन रजिस्टिव सर्किट। तो वी एम कितना हो गया आई एम इंटू आर, अगर इस करंट की पीक वैल्यू आई एम है तो यहां जो वोल्टेज आएगी उसकी पीक वैल्यू हो जाएगी आई एम इंटू आर। हम उल्टा चल रहे हैं, कल हम क्या कर रहे थे वोल्टेज से करंट लिख रहे थे, आज हम क्या कर रहे हैं करंट एज्यूम करके उसकी टर्म्स में वोल्टेज लिख रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं तीनों जगह वोल्टेज लिखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए अब इधर थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूं इसको, ताकि हम ढंग से ये चीज लिख पाए क्या है क्या नहीं। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस, ये आर, ये सी, एंड ये आपका सोर्स है। तो यहां जो सोर्स है दिस इज प्लस माइनस वी एम साइन ओमेगा टी, ये आपका सोर्स है। यहां देखो जो करंट आपने लिखा वो उधर लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमें नहीं पता, अननोन है आई एम और फाई नोट जो हमें नहीं पता, लेकिन उनको निकालने के लिए उनकी टर्म्स में वोल्टेज लिख रहे हैं। प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर पीक वैल्यू, जब करंट की पीक वैल्यू आई एम है तो वोल्टेज की पीक वैल्यू होगी आई एम इंटू आर, और फेज सेम रहेगा जो करंट, क्योंकि यही तो करंट है सीरीज में, करंट दोनों में से सेम रहेगा तो यही करंट जा रहा है, और ये आपका प्लस माइनस ये लिखा गया। आप बताओ क्या वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिखना आ गया आपको इस करंट की वजह से? अब आप ये लिखवा दो तो कैपेसिटर के पास कैसे लिखें, कैपेसिटर के पास वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा? पीक वैल्यू कल हमने पढ़ा था कि अगर कैपेसिटर के पास वोल्टेज की पीक वैल्यू वीएम है तो करंट की पीक वैल्यू हुई थी वीएम अपॉन एक्स सी,
ध्यान है? यस सर। तो आई एम बराबर वी एम अपॉन एक्ससी, और यू कैन से वी एम बराबर आई एम इंटू एक्ससी। तो यहां जो आई एम इंटू आर था उसकी जगह तो आ जाएगा आई एम इंटू एक्ससी। ये तो भाई हो गया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब साइन ऑफ फेज बताओ, कैपेसिटर में से करंट तो यही है, करंट तो यही है। कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट की वोल्टेज? कैपेसिटर में कौन लीड करता है पाई बाई टू से? खाली कैपेसिटर में करंट अगर लीड करता है तो हम तो वोल्टेज लिख रहे हैं, तो वोल्टेज पाई बाई टू पीछे चलेगी। तो करंट का फेज देखो, करंट तो यही है, ये सीरीज सर्किट है तो यही तो आई आर होगा, यही आई सी होगा। तो करंट का जो फेज है वो है ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। तो वोल्टेज का फेज बताओ यार क्या लिखूं मैं, वोल्टेज का फेज बताओ क्या लिखूं, बोल दो। तो काफी टाइम हो गया, अरे बोलो। अगर करंट का फेज कैपेसिटर में जाने वाले करंट का फेज ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट है तो वोल्टेज का फेज कितना होगा? माइनस पाई बाई टू। ओमेगा टी प्लस फाई नोट वो तो है ही है, लेकिन माइनस पाई बाई टू ये आपका बना, ये ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन जब आए ना तो इसको आई इंटू आर करना है ना इसको क्यू बाई सी करना है। हम करंट जो एज्यूम किया है उसकी टर्म्स में पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, करंट का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, उन चीजों का यूज करके लिखा जो आपने पीछे प्योर सर्किट्स में पढ़ा है, उन चीजों का यूज करके लिखा। क्या अब बताओ एक बार ये लिखना आ गया क्या यहां तक? ठीक है। अब जब आप केवीएल लगाओगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगी, केवीएल लगाएंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। तो देखो ये माइनस सेंट्री तो ये प्लस, और ये माइनस और फिर ये माइनस, या माइनस सेंट्री यहां प्लस सेंट्री और यहां प्लस सेंट्री, यानी कि ये जो वोल्टेज है माइनस वी आर माइनस वी सी बराबर जीरो, यानी कि वी सोर्स माइनस वी आर माइनस वी सी बराबर जीरो, और यू कैन से वी सोर्स इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। क्या यहां तक बात आई क्या समझ में? वी सोर्स इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी, क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं इसमें पूरी पूरा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाता हूं। वी सोर्स दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी बराबर वी आर आई एम इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नोट प्लस वी सी आई एम इंटू एक्स सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइ नोट एंड माइनस पाई बाई टू। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है, ये आपकी बन गई एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हाँ भाई समझ में आया ये कैसे बनाई हमने इक्वेशन? अब इसको इसको सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक एनालिटिकल और एक फेजर। हम एलसीआर सर्किट जब लेंगे तीनों को तो एनालिटिकल मेथड करेंगे, वो बोर्ड में भी आ सकता है क्योंकि एलसीआर आपकी बुक में दिया है। इन पे आएंगे तो आप फेजर से भी करके आ सकते हो, इन पे ज्यादा न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। तो एक बार ये देखो, न्यूमेरिकल तभी होंगे जो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो हमने क्या किया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना दी। बताओ इसमें अननोन कौन कौन है, इस इक्वेशन में अननोन जो हमें निकालने हैं, दो चीजें थी जो अननोन थी शुरू में। बताओ कौन कौन सी चीजें अननोन है इसमें, इस इक्वेशन में? आई एम एंड फाइ नोट। शुरुआत में तीन वेरिएबल अननोन थे, आई एम ओमेगा डैश एंड फाइ नोट। ओमेगा डैश मैंने फोर्स्ड ऑसिलेशन वाली चीज से आपको सिखा दिया, अब आई एम और फाइ नोट दो अननोन बचे हैं। तो यहां से देखो अब कैसे हम सोल्व करें यूजिंग फेजर मेथड, वो तरीका आप जाने। फेजर मेथड से ये सॉल्यूशन कैसे होगा ये तरीका हम जानेंगे अभी। देखिए फेजर मेथड क्या कहता है कि आप इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करो, इसीलिए तो आसान हो जाता है ये, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो बच्चा प्लस वन में सीख के आता है और शायद बड़े जोश के साथ प्लस वन में एंट्री लेते हैं तो वेक्टर तो बहुत ढंग से कर ही लेते हैं, तो वेक्टर तो बड़ा अच्छा आता है सभी को वेक्टर एडिशन वगैरह। तो देखो आप क्या कीजिए, फेजर बना लो एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पे आप फेजर मतलब वेक्टर बना लो। इसको यूं देखो कि दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज वेक्टर ए
एंड दिस इज वेक्टर बी, इन दो का वेक्टर एडिशन करके ही आना चाहिए। हमने प्लस वन में भी किया है ये काम, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑसिलेशन में किए थे ऐसे, ए एम्पलीट्यूड है तो उतना मैग्नीट्यूड बना दिया, करवाए थे फेजर से एडिशन, नहीं याद है, कंबाइन किए थे जब एस एच एम तब। तो अभी देखिए यहाँ पे कि R वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं पता है जैसे प्लस वन में क्या होता है, बहुत से बच्चे वो ऑसिलेशन में ना खाली एक एस एच एम, बस एक सिंगल एस एच एम पढ़ के चले जाते हैं, एस एच एम बस एस एच एम, उसमें स्प्रिंग ब्लॉक, उसमें सिंपल पेंडुलम और ये सब, इनके अलावा ये टेक्निकल पार्ट बहुत बच जाता है वहां पे। आज देखो दोनों यूज हो रहे हैं, फेजर वाला पार्ट जो प्लस वन में पढ़ाया जाता है वो आज यूज होगा, और फोर्स्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, वो सारा भी आगे आगे यूज होगा। तो प्लस वन का पूरा पार्ट है, तो अपना रिवीजन करके रखें उस चैप्टर का। देखो फेजर बनाते हैं टी बराबर जीरो पे, पहले मैं ये बनाऊ इसका फेज कितना है टी बराबर जीरो पे, इसका फेज कितना है टी बराबर जीरो पे, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ कुछ, टी बराबर जीरो पे इसका फेज कितना है, ओनली फाइन नोट। तो आप क्या करो, एक रियल एक्सिस बना लो और एक इमेजिनरी एक्सिस, इस तरह का काम हो गया, एक रियल एक्सिस और एक, चलो ये लिखना नहीं है, हमने कहा था आपको आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी डिटेल में हम नहीं जाते कि क्या है, दो एक्सिस आपने बना लिए। इसके बाद अब आप फेजर बनाओ, पहला वेक्टर, वेक्टर ए, इस वेक्टर का मतलब इस फेजर का, वेक्टर वर्ड मत यूज कीजिए, फेजर यूज कीजिए, इस फेजर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो होता है वेव का एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड मतलब कितना, आई एम इनटू आर, और इसका इनिशियल फेज है फाई नोट। तो आप क्या करेंगे, फाई नोट एंगल पे जाके और एक वेक्टर की तरह एक फेजर दिखा देंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा आई एम इनटू आर, और ये एंगल आपका होगा फाई नोट। आप बताओ पहला फेजर वेक्टर ए बनाना आ गया कि नहीं, कैसे बनाया, ठीक है। अब वेक्टर बी बनवाओ, दूसरा फेजर कहां बनाओ बताओ, टी बराबर जीरो पे उसका फेज कितना है, बोलो, वैसे उसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाई नोट माइनस फाई बाई टू, टी बराबर जीरो पे उसका फेज कितना है, फाई नोट माइनस फाई बाई टू, तो फाई नोट तो ऊपर और फाई बाई टू नीचे, तो फाई बाई टू नीचे आओगे तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लग जाएगी, समझ गए हो ना, फाई नोट माइनस फाई बाई टू, तो आप फाई बाई टू नीचे आ गए, और ये जो फेजर बना, ये जो वेक्टर बना, इसका मैग्नीट्यूड है ये आई एम इंटू एक्स सी। दो वेक्टर्स हमने दिखाए, दोनों की टेल से टेल मिली हुई है, तो इनको जोड़ने के लिए कौन सा, पैरेललोग्राम लो या ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, सबसे पहले आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा, जो भी इनका रिजल्टेंट होगा वो ये बनेगा, ये आपका रिजल्टेंट फेजर आ गया, ये आपका रिजल्टेंट फेजर आया। अब एक बार रिजल्टेंट का ध्यान दो, रिजल्टेंट फेजर का मैग्नीट्यूड कितना लेना है, जितना इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, Vm. Vm. एक और चीज, रिजल्टेंट फेजर का इनिशियल फेज कितना है, जीरो, जीरो। रिजल्टेंट फेजर का इनिशियल फेज जीरो होने का मतलब है कि अपने डायग्राम को थोड़ा सा सुधारो, क्योंकि अभी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चलेगी, ये कहां आनी चाहिए, बिल्कुल जीरो पे, समझ गए हो, अपने डायग्राम को थोड़ा सा आप सुधारिए, किस तरह से ये वैल्यू छोटी बड़ी करके, कि जो रिजल्टेंट फेजर आए वो बिल्कुल जीरो पे आना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट फेजर अगर आप जीरो पे चाहते हो तो इसका ये मतलब है कि आप ये पैरेललोग्राम बस यहां कंप्लीट होना चाहिए, तो अगर मैं इसके पैरेलल लाइन यहां लगाऊं तो ये, अब देखो आप ये आई एम एक्स सी है, वो आई एम आर है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो अब सीधा आ गया, और उसका इनिशियल पे जीरो होना चाहिए, जीरो हो भी गया, और उसकी पीक वैल्यू बी एम है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब ये बताओ कि आपको पूरा फेजर डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह से बनाया, हाँ जी बोलिए, ठीक है, अगर डाउट है तो पूछो, बिकॉज यही काम चलना है इस चैप्टर में। तो आपको इनिशियल फेजर डायग्राम समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से बनाया है, ये आपका फेजर डायग्राम बना। अब दो चीजें रिपीट कर दो, रिपीट करूं, एक मिनट,
आपकी अभी कोई क्लास है क्या जस्ट इसके बाद? जस्ट इसके बाद कोई क्लास है? नो सर। तो हम थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा कर लें अगर इसी जूम पे टाइम हो तो। देखो आपकी इक्वेशन ये है सर, केमिस्ट्री की क्लास है इसी जूम पे। कितने बजे? 9-10 के आसपास आते हैं। कोई नहीं, 5-7 मिनट तो देखो अभी। ये Vm sin ओमेगा टी है, ये Vm sin ओमेगा टी है। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन समझ में आ गई थी आपको? केवीएल से बनाई थी वो। हाँ जी बोलो। इक्वेशन है ना। अब इसको एक तो तरीका होता है एनालिटिकली सॉल्व करें, हम कर रहे हैं फेजर से। फेजर से सॉल्यूशन आसान है क्योंकि वो वेक्टर की तरह ऐड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है। मैं फिर से फेजर बना के आपको दिखाता हूं कि कैसे हम ये कर रहे हैं। ये मैंने दो एक्सिस बना लिए, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा पहला वेक्टर है ए। मैं मान लो आसान करने के लिए टी बराबर जीरो पे बना रहा हूं डायग्राम। ये मेरा पहला वेक्टर है ए, इसका टी बराबर जीरो पे फेज कितना है? फाइ नॉट है ना। और आप क्या करो, फाइ नॉट एंगल पे जाओ टू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और एक वेक्टर बना दो, एक फेजर बना दो जिसकी लंबाई कितनी रखो, जितना इसका एम्पलीट्यूड है वेव का। वेव का एम्पलीट्यूड है आई एम इंटू आर। आप ये बताएं भाई कि आपको पहला फेजर बनाना आ गया उधर वाली साइड? यस सर। ठीक है, इसमें वेक्टर सम करना है इसका। तो अगले का टी बराबर जीरो पे फेज कितना है? टी बराबर जीरो पे फेज फाई नोट माइनस फाइव बाई टू। टी तो जीरो रख दिया हमने, फाई नोट तो ये था ही, अब फाई नोट तो ऊपर गए लेकिन माइनस फाइव बाई टू में मतलब मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। तो ये इधर की तरफ बना और फाइव बाई टू नीचे ना आ गया। और इसका इस फेजर का जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, वो इस वेव का एम्पलीट्यूड है, और वेव का एम्पलीट्यूड है आई एम इंटू एक्ससी। अभी बताओ कि यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये वेक्टर आना चाहिए। अब इसका इनिशियल फेज कितना है टी बराबर जीरो पे? इसका फेज जीरो, टी बराबर जीरो पे इसका फेज जीरो है, यानी कि जो रिजल्टेंट आए वो इस लाइन पे ही आए। जो भी रिजल्टेंट आए वो इसी लाइन पे आए, हमें इस बात का ध्यान रखना है। मतलब हम अपना डायग्राम इस तरह बनाए कि जब पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो रिजल्टेंट उस लाइन पे ही दिखे। ये बनेगा। और इसका मैग्नीट्यूड है इसका एम्पलीट्यूड, और इसका एम्पलीट्यूड है वी एम। अभी बताओ क्या मैंने पूरा फेजर डायग्राम रिपीट कर दिया, क्या समझ में आ गया कि नहीं, कैसे बनाए? ठीक है, तो अब तो देखो इससे दोनों चीजें आई पड़ी है। एक तो वी ना हमें चाहिए था, एक आईएम और एक फाई नोट। ये लेंथ अगर आईएम एक्ससी है तो ये लेंथ भी आईएम एक्ससी होगा, ये आईएम आर, ये आईएम एक्ससी और ये वी एम। अब आप एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी, और ये ग्रीन कलर में दिखा रखा उधर, ये वाली एंगल है 90 डिग्री। इसकी लंबाई है वी एम, इसकी लंबाई है आई एम इंटू आर, और इसकी लंबाई है आई एम इंटू एक्स। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज फाइव नोट। अभी आगे ये ट्रायंगल समझ में आई वहां से कैसे हमने पिक किया ट्रायंगल? ठीक है, आप पाइथागोरस लगा दो इसमें, पाइथागोरस बताओ क्या इक्वेशन बनेगी। जल्दी जल्दी करो, टाइम थोड़ा कम है। पाइथागोरस लगाओ क्या इक्वेशन बनेगी? Vm स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई एम इंटू एक्स सी का स्क्वायर। Vm स्क्वायर इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर और अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। आपने आई एम स्क्वायर निकाला तो वो आया वी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। एंड यहां से जो आई एम आया पीक वैल्यू, दैट इज वी एम अपॉन समथिंग, और वो समथिंग है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। अगर प्योर रेजिस्टेंस होता तो आई एम आता वी एम बाई आर, अगर प्योर कैपेसिटेंस होता तो आई एम आता वी एम बाई एक्ससी। लेकिन अगर दोनों है तो इस तरह कंबाइन होकर आएगा, और ये जो टर्म है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक नया नाम दिया जाता है जेड सिंबल, और इसको बोलते हैं इंपीडेंस। ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये इंपीडेंस, तो यूनिट इसकी भी ओम ही होगी। तो ये कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स में आई एम बराबर वी एम बाई जेड हो जाएगा।
जैसे प्योर रजिस्टर वीएम बाई आर, प्योर कैपेसिटर वीएम बाई एक्स एक्ससी, इंडक्टर वीएम बाई एक्सएल, और अगर आरसी या कुछ और है तो वीएम बाई जेड। जेड कैसे निकालते हैं, वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ये क्या यहां तक आया समझ में पहली चीज? यस सर। ठीक है, दूसरी बात फाइनोट, फाइनोट फाइनोट कैसे निकाले? इस ट्राइंगल में टेन फाइनोट देखो आप, टेन फाइनोट कितना है, टेन फाइनोट कितना है इस ट्राइंगल में? IMXC upon IMR। तो ये देखो भाई IM से IM कट गया, XC by R आ गया, यानी कि phi note को आप लिख सकते हैं tan inverse of XC upon R। अब हमने एक काम किया है, अभी बस unknown निकाले हैं, अभी केवल unknown निकाले हैं, इसके बाद अभी तो time नहीं बचा इस क्लास में, results लिखेंगे और results जो भी आएंगे उसके बाद एक न्यूमेरिकल लेंगे ताकि हम आरसी सर्किट अप्लाई करें और फिर आप आरएल खुद करोगे। लेकिन मैं आज एक और क्लास लगाऊंगा आपकी अभी थोड़ी देर में, ठीक है, आप वेट करना, मैं अपने लिंक से वो 40 मिनट का हो जाएगी लेक्चर, जब भी होगा इस पार्ट को आज पूरा कर रहे हैं फिर, ठीक है। आपकी अगली क्लास कितने बजे है? एक बजे है, तो उससे पहले हम कोशिश करते हैं करने। चलिए ठीक है, थैंक यू, अभी टाइम हो गया, बाय।